फॉरेस्ट गार्ड के पेपर के अंदर एक व्यक्ति है दीपक शर्मा नाम का, उसके पास में कुछ संदिग्ध सामग्री हो सकती है। एसओजी की सूचना पर हमने उस व्यक्ति को डिटेन किया, उसे पूछताछ की, तो उससे फॉरेस्ट गार्ड के जो सेकंड पेपर था, सेकंड पारी का जो 2:30 बजे शुरू होना था, वो उसके पास में 1:30 बजे ही के आसपास ही उसके पास में आंसर शीट जो है उस सेकंड पेपर की मिली। उसका मिलान भी किया गया पेपर से, वो सही पाई गई। उसने ये जो आंसर शीट है ये दो कैंडिडेट्स जो दौसा करौली के रहने वाले थे उनको शेयर की है पेपर स्टार्ट होने से पहले। उन दोनों को हमने डिटेन कर लिया है। दीपक शर्मा के पास में जिस भी सोर्स से ये आंसर शीट आई है, पवन सैनी जो, उसको हमने जयपुर से डिटेन कर लिया है। इसके अलावा पवन सैनी के लिंक में और जो भी अभ्यर्थी थे उनको हमने डिटेन कर लिया। लगभग 10 लोगों को हमने अब तक इस प्रकरण के अंदर डिटेन कर लिया और दीपक शर्मा को अरेस्ट कर लिया है। आगे की जो लिंक है, आगे के जो लोग हैं इससे संबंधित, उसके विषय में अनुसंधान जारी है।